हर्षोल्लास के साथ मनाया 74वां स्वाधीनता दिवस। संभागीय आयुक्त गैरवाल ने किया ध्वजारोहण। भरतपुर 15 अगस्त 74 की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संभाग मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त प्रेमचंद गैरवाल ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में RISE पुलिस, राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, स्काउट एंड गाइड शामिल रहे। इस परेड का नेतृत्व रिजर्व निरीक्षक कैलाश ने किया। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीमती दीना महावर ने राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन किया। राज्यपाल द्वारा प्रसारित संदेश में राज्य सरकार की विकास कार्यों के साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहतर प्रबंधन एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की गई। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त गैरवाल ने आजादी के शहीदों की शहादत को शत शत नमन करते हुए कहा कि शहीदों द्वारा दी गई कुर्बानी के कारण ही हमें आजादी मिली है। आजादी के पश्चात भारत देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, जो आज भी विश्व की सबसे बड़ी मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आज भी विश्व में संकट आने पर सभी देश भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। उन्होंने कहा कि देश एवं राज्य में कोरोना बेसिक महामारी का बेहतर प्रबंधन कर संक्रमण के प्रभावी रोकथाम की, जिससे 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में मामूली जनहानि हुई। उन्होंने आमजन से सही अपील की कि वे कोरोना महामारी के चलते इसके संक्रमण की रोकथाम के उपाय को स्वयं आत्मसात करें एवं अन्य को भी प्रेरित करें, जिससे स्वयं एवं समाज की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि भारत में वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को अपनाते हुए संपूर्ण मानव जाति अपने परिवार के रूप में अपनाकर मानव जाति के उत्थान का प्रयास किया है। समारोह में TM इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने माँ तुझे सलाम वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति पर नृत्य के माध्यम ऐसी योग की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शन कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की समाज को संदेश दिया तथा SBK के विद्यालय की छात्राओं द्वारा तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बंके मैं खिल जावा इतनी सी है आरजू आधारित गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के प्रशिक्षणार्थी जवानों शारीरिक व्यायाम योग एवं PT का संयुक्त प्रदर्शन किया। समारोह का राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बैरवाल, पुलिस महानिरीक्षक संजीव नरजरी, जिला कलेक्टर नथमल दिदेल, पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह, जिला परिषद CEO डॉक्टर अमित यादव, ADM प्रशासन श्रीमती बीना महावर, ADM सिटी राजेश गोयल, नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार जाटव, उपमहापौर गिरीश चौधरी, चुन्नी कप्तान, ASP मूल सिंह राणा, भरतपुर उपखंड अधिकारी संजय गोयल सहित समस्त विभागों की जिला स्तरीय अधिकारी एवं अशोक ढाकरे एवं अनुपमा चिमा ने मंच का संचालन किया। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट निवास, कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट क्लब और UIT में ध्वजारोहण किया। भरतपुर SI मंडल ब्यूरो चीफ श्री शंभु लवानिया जी की खास रिपोर्ट। मैं किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करूंगा, न ही अपने किसी परिचित से ऐसा करने के लिए कहूंगा। मैं नशे के कारोबार का विरोध कर नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करूंगा। मैं लोगों को नशे के गंभीर परिणामों से अवगत कराऊंगा। हमारे जिन महान बलिदानियों, अमर शहीदों, जिनके त्याग और तपस्या के कारण इस शुभ अवसर, ये खुशी का अवसर हमें मिला है, उन्हें मैं अपनी ओर से, इस बहन की समस्त जनता की ओर से सत सत नमन करता हूँ। इसका पवित्र त्यौहार है, पर्व है, इसका आज आयोजन हुए कलेक्ट्रेट और यहाँ जिला स्तरीय समारोह हुआ और बहुत ही गरिमापूर्ण और कोरोना की जो गाइडलाइन थी कोरोना से बचाव की उसकी पालना की गई, प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ स्क्रीनिंग की गई। स्वतंत्रता दिवस की मैं संपूर्ण भरतपुरवासियों को बधाई देता हूँ और आज ही राज्य सरकार से नशा मुक्ति अभियान की भी शुरुआत की गई है। मैं सभी युवा पीढ़ी से और प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर हमारे दोस्त में कोई भी व्यक्ति अगर नशा करता है तो उसको ये प्रेरणा दें, उसको ये बताएँ कि ये नशा हमारे लिए कितना खतरनाक है और हमारी पीढ़ी नशे से दूर रहेगी, तो हमारे समस्याएँ भी कम होगी, स्वास्थ्य भी जो वो भी अच्छा रहेगा।
साथ साथ कोरोना की महामारी का भी अभी संक्रमण चला।